नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। चक्रवाती तूफान यागी की वजह से बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से यूपी का मौसम अगले 3 से 4 दिन तक बदला रहेगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक मंगलवार को मध्य प्रदेश से सटे जिले और प्रदेश के दक्षिण इलाकों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही कई जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली हैं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादल छाए, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हुई है। वहीं आज यूपी के नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, संभल, कासगंज, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी। इसके अलावा चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर जिलों के अंदर आज जबरदस्त अत्यंत भयानक बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया है कि चक्रवाती तूफान यागी के प्रभाव के चलते प्रदेश में 19 सितंबर तक जबरदस्त बारिश होगी। आज भी दोस्तों कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। सुबह से ही मौसम पूरी तरीके से खराब हो गया है। इस दौरान लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तो बहुत बड़ी खबर चौंका रही है, चाइना से निकला तूफान यागी अब भारत के अंदर अपना कहर दिखा रहा है। दोस्तों भारत के अंदर गदर मचा दिया है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। यूपी के अलावा इस तूफान का सीधा असर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के ऊपर दिख रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और गुजरात के अंदर भी यागी चक्रवाती तूफान ने रौद्र रूप दिखा दिया है। इससे पहले बता दें कि चाइना के अंदर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान पहुंचा था, वहां सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। उसके बाद में यह तूफान वियतनाम पहुंचा था और अब भारत में तबाही मचा रहा है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।